What's your name, bro? Arun. Your name? Okay. हालांकि मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम द ओनली वन हु इज ड्राइविंग, आई मीन हु इज इन साइड द कार। रोज करेंगे, मौज करेंगे, नहीं मिलेगा तो खोज के करेंगे। देख तो यहाँ से आगे निकलेंगे, आगे मिलेंगे, फिर ये देख लो हाईवे, देखो ये कर्व, देखो जिससे हमको प्यार है। व्हाट लेट कवर द अर्थ बिफोर अस टू वस यू, गेटिंग लेट, गेटिंग लेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टीशर्ट का, आई डोंट टेक इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग लद्दाख जाने वाले हैं, मैंने पहले वीडियो डाल दिया प्रिपरेशन का, अभी देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ, क्विकली दिखाता हूँ क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। टाइम हो चुका है 5:35, कहना था 5:30 में, लेकिन थोड़ा सा लेट आए, 5:00 को यहाँ स्टोर। देखिए यहाँ पे ASU भी जा रही है, लकली मैं अपनी भी गाड़ी ले रहा हूँ इस बार। आई वाज सपोज नॉट टू टेक माय कार, लेकिन जरूरत पड़ गई, लोग ज़्यादा हो गए तो आई एम टेकिंग माय दैट इज़ द अनदर SUV। और एक रोहित भाई की गाड़ी पीछे है, नवीन जी हैं, ही विल बी ज्वाइनिंग इन दिल्ली। बस अभी हम मिलने आए थे फ्लैग ऑफ के लिए। और एक बाइक है यहाँ से, ये हैं राजेश भाई, राजेश भाई एंड दैट इज़ विद्या, ये मोहन भाई इज़ द ओनली बाइकर एंड ही विल बी राइडिंग अलोन विथ अस। तो अभी नहीं देख लो, बाद में चलते हैं आगे, मिलाते हैं ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक गाइस, सो आई कुडंट अपडेट यू इन द मॉर्निंग, मैं बता नहीं पाया हुआ एग्जैक्टली क्या। द थिंग इज़ हमने स्टार्ट कर दिया है रोज टू हिमालय Season 2 बैंगलोर टू लद्दाख। देख लो स्टिकर उल्टा दिख रहा हो कि मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, तो मैं दिखा दूँ पहले बैक में क्या हो। सो वी आर 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम हैदराबाद, मतलब बैंगलोर से हमने स्टार्ट किया है, बस ऑलमोस्ट मिड पहुँच चुके हैं। दो XUV गाड़ियाँ हैं, एक मेरी गाड़ी है। हाँ तो मैं अपनी गाड़ी निकालने वाला नहीं था, बट ज़रूरत पड़ गई, एक्स्ट्रा लोग आए हैं, तो हालांकि मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम द ओनली वन हु इज ड्राइविंग, आई मीन हु इज इन साइड द कार। दिल्ली तक, दिल्ली में कुछ लोग ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, लगेज ज़्यादा था, इट्स अ ग्रुप रोड ट्रिप। राइट टू फिर से बता दूँ कि वी ऑर्गेनाइज, रोहित की गाड़ी है, दूसरी XUV एक और बाइक है जो अभी इज एड टू कम। हाँ तो मैं बोल रहा था कि वी ऑर्गेनाइज ग्रुप रोड ट्रिप, जैसे आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा पता चल जाएगा। तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया का सबसे लंबा रोड ट्रिप, हम ही लोग करते हैं, कोई नहीं करता है, देर इज़ नो नी अदर ऑर्गेनाइजेशन हु डज दिस। एंड इस बारी फिर से हम लोग 20+ लोग हैं जो जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को भी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं सब लोग। एक ब्रेक लिए थे यहाँ, रोहित फोटोग्राफी कर रहे हैं कुछ पिक्चर्स वगैरह, और मोहन जो एक बाइकर हैं जो जावा लेके आए हैं, वो पीछे रह गया है, फ्यूलिंग कर रहा था, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम, वंस विल कम। फिर लोग क्योंकि कम्युनिकेशन होता है साथ में, मर्ज होकर चलते हैं तो इजी रहता है, नीचे रेलवे ट्रैक है तो मज़ा आ रहा है। और नेक्स्ट थिंग इज जो बाइक है जावा, दैट इज़ कर्नाटका रजिस्टर्ड 01 है RTO। देखिए मेरी गाड़ी है 02, ये है 04 एंड पीछे जो है अब देखिए वो दैट इज़ 03 एंड वो 05 है रोहित की। तो 01 से लेके 05 कंटिन्यूसली 5 RTO का रजिस्टर्ड गाड़ी है हमारे पास। तो अभी देखो चलते हैं लद्दाख। वेलकम बैक गाइस, इट्स 4:00 इन द इवनिंग, वी हैव जस्ट क्रॉस द आउटर रिंग रोड, नेहरू आउटर रिंग रोड ऑफ हैदराबाद। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी हैव क्रॉस हैदराबाद, वी डिडंट गो इनसाइड, नहीं जाना पड़ता है, जो लोग बैंगलोर जाते हैं उनको पता होगा। एंड दिस हाईवे विल अगेन, दिस इज NH44 कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे, जिसमें वापस हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथ जो बाइकर हैं मोहन भाई जावा वाले, उनको एंट्री मिली नहीं क्योंकि बाइक्स नहीं अलाउड एक्सप्रेस वे पे। तो हम लोग तो उड़ाते हुए निकल गए, तुरंत पहुँच गए हाफ एन आवर में यहाँ। फिर वो भाई साहब सिटी में स्टक हो गए, अगर बाइक से आ रहे हो तो सिटी जाना पड़ेगा, प्लान कर लो कोई दूसरा एग्जिट है, तो नहीं तो सिटी में बुरी तरह फंसोगे। तो वो बोल रहे हैं कि 1 आवर एक्स्ट्रा हम लोग को मिनिमम वेट करना पड़ेगा। देखिए चारों गाड़ियाँ हैं, रोहित भाई की गाड़ी, देन माय कार। देखिए रोहित भाई बांट रहे हैं पूरा। रोहित भाई टी शर्ट दिखाओ, अरे अपना छाती पे दिखाओ। व्हाट लेट कवर द अर्थ बिफोर अस कवर्स यू, गेटिंग लेट, गेटिंग लेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टी शर्ट्स का, इधर देखिए, दिस इज रोज टू हिमालय बैंगलोर लद्दाख, रॉयल क्रूजर हिमालयन पैंथर्स, दे आर अवर ट्रैवल पार्टनर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ही इज राजेश भाई, ही हैज फाइनली कम, ये बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, फाइनली इसके विजय जी है, इनको मिल चुका है टी शर्ट अपना, वी कैन सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस। ये दूसरी गाड़ी है विजय जी की, और ये हैं अपना रेगुलर
रवि जी की गाड़ी, तो सब प्रोसेस ख़त्म एंड चार एक्चुअली यहीं बच गया है। नागपुर का प्लान था हम लोग का 8 से 9 बजे तक पहुँचने में मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, 11 तो मुझे लग रहा है मिनिमम बच जाएगा, तो कंटिन्यू चलाएँ तो थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकता है। मैं गूगल बोल रहा है 12 बजे, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं फिर के लिए, बाय। सो इट्स इवनिंग गाइस, ऑलमोस्ट 7 o'clock, सनसेट हो चुका है एंड वी आर स्टिल 350 किलोमीटर अवे फ्रॉम नागपुर। ये देख लो मैं गाड़ी उल्टा लगा दी हूँ, एक्चुअली जाना इधर है, दिस साइड वी हैव गो। देखिए रोहित भाई की गाड़ी है, लेट पहन के घूम रहे हैं, एक और एक्सी भी वहाँ खड़ी है, ये देखिए इनको कैसा लग रहा है, एक नंबर मानोस, मज़ा आ रहा है। और बाकी लोग उधर भी हैं, आप देख लीजिए एक गाड़ी वहाँ खड़ी है, और ये देखिए हमारे बाबा, कैसा लग रहा है, हाउ इज द जोश, सुपर, एज विथ हिज जावा, ही इज द ओनली राइडर फ्रॉम बैंगलोर। रोज करेंगे मौज करेंगे, नहीं मिलेगा तो खोज के करेंगे। देखिए सुने, रोज करेंगे मौज करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो ये बोल रहे हैं खोज के करेंगे, लेकिन करेंगे। आइए कुछ फोटो ले लेते पहले। गाइस टू सी व्हाट वी आर डूइंग, इट्स 10:30 इन द नाइट और हमारी गाड़ी का रिम फिर से एक बारी बेंड हो गया, लास्ट टाइम जो हुआ बता दूँ, अभी हम लोग एक हाईवे पे यहाँ रुके हुए हैं, हमने स्टेपनी हालांकि चेंज कर लिया, वहाँ जंगल में हुआ था तो दो गाड़ी हमारे पीछे थी, दे हेल्प अस, हमारी जो टीम में है। बट मैं बता दूँ ये जो हाईवे दिख रहा है आपको, दिस इज बैंगलोर, नॉट बैंगलोर, NH 44 ही है आपका, हैदराबादपुर जाती है। इस वाले रूट में ना रूट बहुत रोड ख़राब है, पोर्ट होल्स इतने ज़्यादा हैं और बरसात का मौसम है, ऊपर से भाई साहब बोल रहे हैं कि डेली यहाँ इनके पास 4-5, अभी देखिए पीछे जो होंडा सिटी खड़ी है ना, ये गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ, ये होंडा सिटी अभी महाराष्ट्र की गाड़ी है, इनका भी रिम बैंड हो गया। ये भी भाई साहब बोल रहे थे, इनके जो ऑनर हैं होंडा सिटी के, पोर्ट होल्स में चली गई थी इनकी गाड़ी और इनका भी रिम बैंड हो गया, तो यहाँ रिम सीधा करता है, ये पंक्चर का शॉप है देख लीजिए, तो हमने भी अपना रिम सीधा करवाया। ये पहले भी बार बैंड हुआ था जब हम लोग K2K कर रहे थे, इसी एरिया में हुआ था, तो पहले तो मुझे लगा ये हॉन्टेड एरिया है, लेकिन पता चला नहीं, सबका हो रहा है, हो भी सकता है, पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ पे, तो वो चेक कर रहा है ये डाल करके, हवा निकल तो ना हमें, नहीं जाता हो गया ना, माने जाता तो हवा बुरबुरा आता था। चलो तो फिक्स कराते हैं दिन, फिर आगे मिलता हूँ। तो गाइस टाइम हो चुका है 11, रात बज चुके हैं एंड अभी भी हम 250 किलोमीटर के आसपास अवे हैं नागपुर से। जैसा मैंने बताया कि थोड़ा हमारा रिम बैंड फिर से हो गया था, क्योंकि रोड से बहुत ख़राब है यहाँ का, कहीं भी अचानक से पोर्ट होल्स मिल सकता है आपको। आप देख सकते हैं एक फार्मेसी में हम लोग यहाँ चल रहे हैं, सामने सारी गाड़ियाँ हैं, मैं सबसे पीछे हूँ, आगे रोहित भाई हैं, 2 XUVs एंड बगल में एक बाइक चल रही है मोहन भाई की, क्योंकि लेट नाइट हो गया है, अनएक्सपेक्टेड टाइम है 2 बजे के आसपास रात, थोड़ा सा टाइम इधर कंज्यूम हो गया ये ठीक हो कराने में, बारिश भी हो रही थी, फिर हम लोग खाना खाने भी रुक गए डिनर के लिए, तो अभी वहीं पे जाएंगे हम लोग, सब जाके खाना खा ही लिए हैं, रेस्ट करेंगे दिन, कल मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे ग्वालियर के लिए। देखिए पूरा रही हमारी रैली जा रही है आगे, सबसे पीछे मैं हूँ, टेल कर रहा हूँ, रोहित हेड लीड कर रहे हैं। वेलकम टू नागपुर, नागपुर वेन एवर वी कम ऐसा ही सजा हुआ रहता है, फ्लाईओवर्स पे राइटिंग्स जो होते हैं सुंदर लगता है, इनसाइड द सिटी रोड्स आर गुड, थोड़ा सा बाहर में रोड्स ख़राब हुआ करता था जो कि वो भी बन गया है। कमिंग फ्रॉम बैंगलोर तो सारे रोड्स अच्छे मिलने वाले हैं, थोड़े कुछ पोर्ट होल्स उस वाले एरिया में है, वहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है बहुत सारे पोर्सन में, तो होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सब कुछ रेडी हो जाएगा एंड देन। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, this is second day in Nagpur and we are living, we have just checked out this property, this is Oyo townhouse, agar dikh raha hoga to, we just checked out, I just told that hamara tie up hai Oyo ke sath, to they gave us this property and abhi dekhiye yahan se parking, proper parking thi yahan pe, sari gaadiyan nikal rahi hai to hum bhi nikal rahe hain, aaj plan hai Gwalior pahunchne ka, thoda sa late ho gaya start karte karte, 10 o'clock ho chuka hai abhi, 10:10 because कल रात ही हम लोग लेट पहुँचे हैं, 3 o'clock के आसपास हम लोग यहाँ से डिल डाउन हुए हैं, सोते सोते बज गया। देखिए सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, आगे एक बाइक कर रहे हैं, तो मिलता हूँ फिर मैं आपसे, मैं भी थोड़ा ड्राइव कर लूँ एंड फ्यूल का रेट यहाँ कम है, तो अगर कोई इधर से क्रॉस कर रहा है तो यू कैन फ्यूल इट अप इन महाराष्ट्र एंड द बेस्ट विल बी उत्तर प्रदेश, वहाँ सबसे सस्ता रहता है। ओके गाइस तो अभी हम लोग ग्वालियर से स्टार्ट कर लिया, मैं दिखाता हूँ एक पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके,
जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे फ्यूल सस्ता है, आप देख सकते हो चारों तरफ हमारी गाड़ियाँ। ये पेट्रोल पंप देखो, अभी सिटी से बाहर निकले नहीं है, आप देख सकते हैं वहाँ मोहन अपनी फ्यूलिंग करा रहे हैं, उसके बाद रोहित भाई की गाड़ी फुल टैंक हो रही है, एक एक्सयूवी इधर खोया खोया चांद है ये भी अपना डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी गाड़ी भी फ्यूल टैंक हो रही है फुल, और उधर रवि जी की भी फुल होने वाली है, मतलब हो ही चुकी है ऑलरेडी। तो सारी गाड़ियाँ सब कर्नाटका की गाड़ियाँ लोग देख रहे हैं, सबको लग रहा है कौन विदेशी लोग आगे देखिए कि यहाँ पे पार्क है, ये ऑलमोस्ट फुल हो गया। फिर ये देखो हो गया, देखो अंदर कौन बैठा हुआ है, सुपर एक्साइटेड नहीं? तो फिर मिलते हैं फिर आगे जाके। गाइस तो सी ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस फॉरेस्ट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट, आप गूगल मैप में देख लो, स्क्रीन दिखा रहा होगा ये पोर्शन, ये पीछे से स्टेज स्टार्ट हुआ, देन आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड आप देखो, इसको दंडकारण्य बोलते हैं, रामायण जो देखते होंगे, जो ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें रामायण याद होगा, जो देखे होंगे उसमें मेंशन किया गया था भगवान राम माता सीता की खोज में इसी जंगल से होते हुए निकले थे, यहाँ शायद मतंग मुनि थे जिनसे वो मिले थे, तो ये काफ़ी पॉपुलर एक प्लेस है यहाँ पे। सो दिस इज़ अनदर स्ट्रेच ऑफ द सेम फॉरेस्ट, अभी हम लोग वही महाराष्ट्र एमपी के आसपास हैं, पीछे पेंच टाइगर रिजर्व भी था जो हमने क्रॉस किया। तो यहाँ पे ये जो रोड से आप देख सकते हैं लेफ्ट दोनों साइड बैरिकेड ये किया हुआ, बैरिकेडिंग ने फेंसिंग क्या ही बोल सकते हैं, जो भी है ये आप देख सकते हो मेटालिक दोनों साइड से लगा हुआ, बिकॉज दिस फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, एंड रिसेंटली एक लेपर्ड जंप करके इधर आ गया था, तो सेफ्टी के लिए किया गया है ताकि लोग यहाँ पे ये ना हो। ओके गाइस, सो वी जस्ट टुक अ ब्रेक हियर, यहाँ से हम लोग यहाँ से राइट लेंगे, पहले मैं दिखा दूँ सी द कर्व कितना सुंदर है, दिस इज वाई वी डू अ रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर, एंड ये हाईवे है विच विल टेक यहाँ से आगे निकल के, ये देख लो आप हाईवे, एक्चुअली मजेदार चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारे मोहन भाई हैं, ऑब्वियसली बात है ये मेरी गाड़ी है, ये है सपना जी जो कि वर्क ऑन हाईवे कर रही है, वर्क फ्रॉम हाईवे, देखो कहाँ पे खड़े हैं, क्या इनको कॉल लेना था क्या करना था पता नहीं, दिस इज़ वर्किंग फ्रॉम हियर, एंड हमारी तीन पीछे रह गए, एक्चुअली मुझे लगा वो लोग आगे निकल गए हैं, बट वो लोग पिट स्टॉप डाले कि हम लोग यहाँ भुट्टा खा रहे हैं, पता नहीं कहाँ हम इसको, एक टाइगर रिजर्व है पीछे मुझे बता रहा था, दे टुक अ ब्रेक देयर, हम कंटिन्यू करेंगे, हम काफ़ी आगे उससे आ चुके हैं, एक्चुअली हम लोग स्पीड में आगे निकल गए, हम और मोहन बाकी लोग पीछे रुक गए, तो अब यहाँ से आगे निकलेंगे, आगे मिलेंगे फिर, ये देख लो हाईवे देखो, ये कर्व देखो जिससे हम लोग को प्यार है, चलते हैं आगे। एंड हाँ हमने कर लिया अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया अभी नागपुर से, लेकिन हालांकि बहुत दूर है अभी भी, कहीं ना कहीं 400 के आसपास होगा, 300 किलोमीटर के आसपास हमने कर लिया है शायद, तो देखते हैं आगे। मेरा थोड़ा गाड़ी में ना प्रॉब्लम आ गई कल, जो रात लगा है ना इस जगह पे ये बेंड हो गया है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन ये थोड़ा पीछे आ गया, तो बार बार मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है, सी दिस, आवाज़ सुनाई दिया, तो ये आवाज़ आ रहा है क्योंकि बॉडी थोड़ा पीछे मूव हो गया, और इसमें भी थोड़ा सा नॉइज़ है, तो कुछ ना कुछ बोल्ट्स लूज़ हुआ है गाड़ी का, तो मैं चेक करके, बहुत बहुत गंदा हिट हुआ था, ये देख रहे हो पत्थर, इस साइज़ का एक पत्थर था जो हाईवे पे आया हिट किया, लेकिन ठीक है फिट हो गया फिर से गाड़ी, कराते इसको चंडीगढ़ में चेक करेंगे क्या है, क्योंकि हाई स्पीड थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जहाँ ऑफ रोड आ रहा है वहाँ हल्का सा फील हो रहा है कि कुछ तो वीक है, इसमें बोल्ट्स लूज हुआ मुझे लगता है सस्पेंशन का या कुछ तो हुआ है आर्म्स का, देखते हैं आगे मिलते हैं, सो फार सो गुड, इन्जॉय कर रहे हैं, हाँ भाई जाओ जाओ आप लोग, देखो ये लो निकल गया, अब मेरी गाड़ी है, मैं भी निकल ही लेता हूँ, मोहन पहले निकल गया, चलते आगे मिलते हैं, ये जाता है जबलपुर, लास्ट टाइम ने यहाँ डांस किया था इसी जगह पे सेम स्पॉट पे, तो आज तो नहीं करेंगे भाई ऑलरेडी लेट, चलते मिलते हैं आगे फिर, चल द बेस्ट थिंग आई एम गोइंग टू शो यू टुडे, ये देखो वैली पहले देखो, ट्रक्स आ रही है, देख फोटोग्राफी चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए वीडियोग्राफी चल रही है एंड फोटोग्राफी एज वेल, मैं दिखा दूँ क्या चल रहा है यहाँ। हाँ जी, तो मैंने जैसा बोला कि सब लोग साथ चल रहे हैं, देखो आगे रोहित भाई की गाड़ी है, पीछे एक और एक शुभ दिख रहा होगा, देखिए मोहन भाई कैसे निकले बगल से, बाइक वालों का अलग मजा है, हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं बिकॉज आप देख ही सकते हैं
विजिबिलिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है यार, बस थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा दिन है, इसलिए नाइट में पता नहीं कैसे चलाते इतने रेन में। हाँ, रिफ्लेक्टर से कुछ ना कुछ दिख जाता, बट सम हाउ वी आर मैनेजिंग टू मेंटेन 60-70 स्पीड विद हैजार्डस लैंप। आप बैक साइड पीछे दिख रहा होगा आपको और भी गाड़ियाँ हैं, देख रहा हूँ मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, दिख रहा होगा ब्लिंक हो रहा लाइट। तो इंजॉय करते हैं मानसून को थोड़ा सा, एंड फिर मिलेंगे आपसे, आपको भी दिखाएंगे जो दिखाने लायक रहेगा, हम दिखा ही रहे हैं सुबह से। सब्सक्राइब कर लो इंस्टाग्राम पे, जाओ हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाओ आप लोग, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ वीडियो में, रॉय अंडरस्कोर क्रूजर है, आप जाकर सर्च कर सकते हो, फेसबुक भी रॉय क्रूजर आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर ही लो, ताकि भी बैक टू बैक कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। ये तो पहला दूसरा पार्ट आ रहा है सिर्फ, अभी मेन लद्दाख का पूरा बाकी है, सारे मेन स्पॉट्स लद्दाख का हम कवर करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। सो वी जस्ट मेट फ्यू बाइकर्स, यू कैन सी दे आर गोइंग अहेड, दे ऑल वेयर फ्रॉम तमिलनाडु, तीन बाइकर्स हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू लद्दाख, तो वी जस्ट मेट देम ऑन NS44 अभी झांसी के आसपास, दे हैव अ स्टे इन झांसी, दे ऑल आर फ्रॉम कोयम्बतूर, तो हमने उनसे बात किया। आई टोल्ड देम एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू से वी मेट सो मेनी पीपल लास्ट टाइम, आई मीन फ्यू आवर्स बैक ऑल्सो दो और बाइकर्स मिले थे, दे वर फ्रॉम मैसूर कर्नाटका, तो अपने साइड के लोग हैं, तो वी आर हेल्पिंग देम, आई टोल्ड देम इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट बिकॉज वी हैव पीपल एंड दे आर न्यू टू दिस साइड, तो आई जस्ट टोल्ड देम दैट इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन प्रॉब्ली गिव अस, विल ट्राई टू हेल्प यू, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो, बिकॉज ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक अ ब्रेक, जैसे मैंने बताया कि कुछ तमिलनाडु के लोग हैं, तो वी थॉट आई टेक अ ग्रुप पिक्चर विद देम, मुझे पीछे है मैं कहाँ से, देयर फ्रॉम कोयम्बतूर, आप देख सकते हैं द व्हीकल का नंबर, आप देख लो, दिस इज TN39C0821, ये भाई साहब के हैं ड्यूक 250, एंड देन अदर गाय TN39, मेल मिलाप हो रहा है, दे ऑल फ्रॉम, इनके पास भी KTM ही है, एंड दिस इज़ हिमालयन, तो वी जस्ट थॉट कि चलो विल इंक्रीज देम एंड विल टेक अ ग्रुप पिक्चर, हमारी भी पूरी टीम आ चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इन जस्ट यू नो ट्रैवलर्स थिंग, आप क्या होता है ना, वेन यू मीट सम अदर ट्रैवलर तो यू फील गुड, यू नो लाइक यू वेन यू मीट देम, दे ऑल अ क्रेजी पैसेंजर ट्रैवलर, दैट्स व्हाई दे आर हियर। तो एक बार देख लो, व्हाट्स योर नेम ब्रो? अरुण। योर नेम? सॉरी, प्रेम कुमार। प्रेम। योर नेम? योगेश। ओके, सो अरुण, योगेश एंड प्रेम, दिस थ्री बाइकर्स आर देयर फ्रॉम कोयम्बतूर, सो दे आर हेडिंग टू अवर्स लद्दाख, तो एक बार यहाँ दिखा दो, से हाई मैन एवरी वन। ओके, सो चलते हैं, रोहित है। ओके, सो वन ऑफ द बाइकर, हिज नेम इज लोकेश एंड ही हैज एन यूट्यूब चैनल अज वी एक्सप्लोर, तो इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब ही चैनल, दे आर वेरी पैसिनेटेड सिम्स, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग, एंड ये हमारे खतरनाक बाइकर आ चुके हैं, हमको लगा था ये आगे निकल गए, मोहन भाई ये भी अपना लेके रोज टू हिमालयाज, हु वाज चेकिंग द मैसेज, ये देख लो दिस लोकेश, देयर इज अ गाय दैट इज कम्युनिकेटिंग, अच्छा लगा मिलके इन लोगों से। ओके बैक गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन, दिस टाइम इज 7:15 नाउ इन द इवनिंग, एंड वी टुक अनदर ब्रेक टी के लिए या डिनर तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ थोड़ा हैवी हो गया, प्रॉब्ली विल नॉट टेक लॉन्ग ब्रेक फॉर डिनर बिकॉज फिर से लेट ही हो रहा है, अभी भी 200-250 किलोमीटर के आसपास है झांसी, बारिश भी हो रही है कंटिन्यूसली, अभी भी बारिश हो रही है, देख सकते हैं ड्रिजलिंग है, बाहर खड़ा हूँ, सब लोग यहाँ खड़े हैं, मैं दिखा दूँ, ये प्रॉपर्टी का नाम है मिडवे ट्रीट, जो हमें टाइप है इनके साथ, क्या नाम है, हाईवे डिलाइट, तो उन्होंने प्रोवाइड किया है, दिस द प्रॉपर्टी, रुके कैमरा गंदा है, एक सेकेंड, हाँ ये तो दिस इज़ हाईवे मिडवे ट्रीट, गाड़ियाँ पार्क है, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल, देखिए प्रॉपर्टी सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए यहाँ बैठने का बहुत अच्छा प्रॉपर है, खाना भी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था, हमने पराठा वगैरह फ्राइड राइस सब कुछ ट्राई किया सब लोगों ने, दिस इज़ मिडवे ट्रीट, देखिए वहाँ लिखा हुआ है मिडवे ट्रीट है, MP में है इसमें, आप देख सकते हैं सब लोग पीछे मस्ती कर रहे हैं, मैं भी खड़ा हूँ, थोड़ा सा सोचा अपडेट दे दें सबको, फिर यहाँ से फुल नाइट अभी ड्राइव, फुल नाइट नहीं ड्राइव है, मतलब है 350 किलोमीटर के आसपास हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है ग्वालियर, तो थोड़ा फिर से 12 बजे तो बजने ही वाला है आज फिर से, तो चलते हैं, भी ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे बिकॉज फिर से लेट, अरे ग्रुप ट्रिप में क्या होता है ना, यू कैन नॉट अवॉइड टेकिंग ब्रेक, सबको थोड़ा चाहिए होता है, सब एक्साइटेड है, सब लोग आए हैं, तो यू कैन आई वी कैन नॉट से ऑल्सो कि नहीं लेंगे ब्रेक, एंड इट्स नॉट इथिकल ऑल्सो, ठीक है थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे चलता है, एंड यही हमारा USP भी है, दैट वी आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत लोगों को बहुत सारा स्पॉट पसंद आता है, कुछ देखना होता है, जैसे कुछ लोग रुक गए थे पीछे
ये था आपका टाइगर रिजर्व देखने के लिए, तो रुक जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत टाइम चलता है, उसके बाद तो टाइम पे तो सोना ही है डेली घर में, तो चलते हैं आगे, फिर से मैं मिलता हूँ वापस जल्दी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।